बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम इंडियाबिक्स की वेबसाइट को भी डिस्कस करेंगे हैंडा के साथ साथ। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फर्स्ट उसने टॉपिक बताया वो वोल्टेज एंड करंट, आज हम उसको फुल को कवर करेंगे। दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। तो इसमें वो फर्स्ट पेज पे कह रहा है कलर कोड बताए। तो स्टूडेंट्स, ये जो कलर कोड हमने इसका देखना है, इसमें आपने FSC में इसको याद किया था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सो बीबी में हमारे पास जो फर्स्ट बीबी होता है उसका कोड हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो उसके मुताबिक आर का जो कोड बनेगा ना, दैट विल बी टू, बिकॉज बीबी आर, सो 012। ओके, सो फर्स्ट टू जीरोस हमारे पास होते ही सिग्निफिकेंट हैं, और जो थर्ड होता है वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो फर्स्ट जो होता है दैट इज़ ब्लैक एंड द सेकेंड वन इज़ ब्राउन। सो इफ देर वाज नो जीरो, लाइक हम 220 में देख रहे हैं कि 22 जो आएगा ना, 22 तो आएगा बिकॉज रेड जो है उसने देना था एक सिग्निफिकेंट में। आपको ये इसके व्यू आंसर से भी दिखा सकती हूँ, मैंने बोला बीवी रेड ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले जो दो डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट है। तीसरा हमें बताता है कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे। तो आप देखें रेड यहाँ पे 22 है इसका, और रेड रेड है, इस वजह से रेड रेड बन जाएगा। अब इसके अंदर बी ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और एक ज़ीरो आएगा क्योंकि ब्राउन है, एक ज़ीरो आ रहा है तो एक ज़ीरो का मतलब है ब्राउन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी भी ए या डी में से कोई है। तो हमारे पास जब टॉलरेंस होती है 5% दैट इज़ गोल्ड, एंड इफ़ टॉलरेंस इज 10% देन दैट इज़ सिल्वर, एंड इफ़ देयर इज़ नो टॉलरेंस दैट मीन 20%। इट इज़ रिटन इन द एंड टू लाइक नन 20 एंड सिल्वर 10 एंड गोल्ड 5। सो ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। So moving towards the second MCQs, he is saying that if 60 joules of energy are available for every 15 coulomb of charge, what is the voltage? Okay, so dividing energy by the coulombs, we will get the voltage, that is 60 divided by 15 is equal to 4 volts. An atom atomic number aapko batayega proton, option number B. A voltage will influence current only if the circuit is definitely, if the circuit is closed, then the voltage will influence the current, option number D. इसमें से कौन सा है टेम्परेचर सेंसिटिव? थर्मिस्टर है, क्योंकि थर्मिस्टर होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर, इसमें टोटल 10 पेजेस हैं, 47 एमसीक्यूज हैं, बट दीज आर वेरी वेरी सिंपल। हाँ जी, हम आगे हैं पेज नंबर 2। पहला सिंपल ग्राउंड का है, दूसरा बैटरी का है, तीसरा रजिस्टर का है, और थर्ड आपका कैपेसिटर का है। 7 में वो कह रहा है कि स्विच का बताएं कौन सा है। तो ये वर्कशॉप प्रैक्टिस में हमने पढ़े थे, एक है एक सिंगल उसकी साइड है, लेकिन जहाँ वो दो तरफ एंटर हो सकता है, उस वो अपसाइड पे भी जा सकते हैं, डाउन में भी जा सकते हैं, मतलब डबल एंड थ्रू हो रहा है डबल। तो SPDT बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हो सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बैटरी वोल्टेज, ओके ये PTS में आया था आई गेस। बैटरी वोल्टेज इज़ रिस्टोर एज सून एज डिस्कनेक्ट ऑकर्स और इज़ लोअर्ड एज द लोड इंक्रीजेज, मे बी स्टोर इनडेफिनेटली, तो विल बी रिड्यूस टू ज़ीरो एज पावर इज ड्रॉन। तो इसमें आप देखें जो हमारे पास ऑप्शन ए और सी है ना, वो तो एक जैसी लग रही हैं, ठीक है, कि रिस्टोर हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है ना, वो बैटरी के वोल्टेज कम हो जाएंगे जब आप लोड को बढ़ाते जाएंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 3 में कह रहे हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में सर्किट के साथ, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजर करता है। इफ़ अ करंट इन अ सर्किट, अगर 0 एम्पीयर है तो उसका मतलब है कि सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। और शॉर्ट में हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम होता है। अच्छा, Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी मीन ऑप्शन नंबर ए। वट आर द सिम्बल्स एंड यूनिट, ओके पहले वो यूनिट कह रहे हैं, यूनिट एम्पेयर सिम्बल आई है करंट का, ऑप्शन नंबर डी। विच पार्ट ऑफ एन एटम हैज नो 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 इलेक्ट्रिकल चार्ज मीन न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। विच वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाएगा, बैटरी बनाती है, बैटरी होती है ना, सेल्स होते हैं। एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट ना हो, तो ये सब में मूवमेंट हो रही है, टी केटल स्टीम में भी, मूविंग व्हीकल एसन भी आपका मूव करते हैं, लेकिन बैटरी जो है दैट इज़ हैविंग नो मूवमेंट। ओके,
If 40 coulomb of charge passes a point in 20 seconds, what is the current? So I is equal to Q by G 20, 40 by 20 is equal to 2 ampere option number A. Battery differ from fuel cells in that battery is a closed system. Okay, the removal of non-neutral subatomic particle converts the atom into a ion banate hai na? Ion hote hai mere paas. Positive ion, negative ion. पॉजिटिव होता है अगर मेरे पास कोई रिमूव हो जाए. सो हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 5 की तरफ. ओके, वन कूलम पासिंग अ पॉइंट इन वन सेकेंड इज कूलम सेकेंड एम्पेयर की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है ना. मैटर किस स्टेट्स में सॉलिड लिक्विड गैस होती है? ऑप्शन नंबर बी मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड हो गया. हाउ मेनी वेरियस शेल अगर सेमी कनेक्टर है तो 4 होंगे. आपको पता है कार्बन और सिलिकॉन जर्मेनियम होता है. वेल कंसिडरिंग कन्वेंशनल करंट वर्सेस तो कन्वेंशनल करंट फ्लो जो था ना वो पहले आया था. ऑप्शन नंबर सी. अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 6 की तरफ. पेज नंबर 6 में वो कह रहा है विच यूनिट ऑफ चार्ज कंटेन्स. ओके, ये कूलम्स होता है बिकॉज वन कूलम्स इक्वल टू 1.602 इंटू 10^-19 होता है. ठीक है, तो अगर हम उसको इस चीज़ का रेसिप्रोकल लें, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने कूलम्स होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1.602 इंटू 10^-19. तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच यूनिट ऑफ चार्ज कंटेन्स? तो हम जो इसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो आ जाता है 6.25 × 10^18. ऑप्शन नंबर बी. स्विच इज़ अ डिवाइस. शॉर्ट सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ठीक लग रही है वैसे. ये बात होल्ड्स फ्यूज हैज डबल पोर्स ओपन और सी स्विच आपका ओपन करता है या कंप्लीट करता है सर्किट की बात करिए तो आपको पता होगा जैसे आपके स्विचेस यूज हो रहे होते हैं. द टर्म यूज टू डिजिग्नेट इलेक्ट्रिकल प्रेशर. ओके, प्रेशर जो होता है ना वो आपका वोल्टेज के साथ कंपेरेबल है. ठीक है, जैसे हमारे पास इसने बड़ा अच्छा इसको डिस्कस किया हुआ है फोरम में, किसी ने इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि जब हमारा वाटर का फ्लो होता है, थिंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग लाइक वाटर इन अ पाइप. वाटर वोल्टेज लाइक वाटर प्रेशर. तो हमारे पास वोल्टेज जो है ना वो बिल्कुल वाटर के प्रेशर की तरफ होता है. ये किसी ने बहुत सही से डिस्कस किया हुआ है. या ये भी कोई कह रहा है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रेशर क्रिएट करते हैं. सो हम वापस आते हैं. और हम किस पे थे? जी 29 आई गेस. विच इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल अपोजेस द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? डेफिनेटली इंसुलेटर की बात हो रही है. करंट इज कंसिडर एज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन नंबर ए. हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 की तरफ. ओके, लेड एसिड बैटरी आपकी जो होती है दैट इज रिचार्जेबल. सो दैट इज सेकेंडरी बैटरी. द कूलम द चार्ज ऑफ वन कूलम इज इक्वल टू. ऑप्शन नंबर डी के मैंने आपको भी बताया. आपने इसको ऐसे करना होता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 × 10^-19 कूलम्स. तो वन कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये यूनिटरी मेथड होता है, 1 / 1.602 × 10^-19. जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं इस चीज़ का तो आपके पास ऑप्शन डी आता है. अब बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है? अच्छा, इसने बड़ी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं. आपको पता है सिर्फ हमारे पास होना चाहिए वोल्टेज सोर्स और लोड होना चाहिए और एक कंडक्टिव पाथ होना चाहिए करंट के लिए. ऑप्शन नंबर बी होगा. एमीटर क्या मायने करते हैं करंट में करते हैं. ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज द मेन ऑफ प्रेशर दैट मूव्स? ये दोबारा रिपीट हो रहा है. ऑप्शन नंबर सी. आज एन जी पेज नंबर 8 की तरफ. व्हाट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी सेल दैट इज रिचार्जेबल? ऑप्शन नंबर ए. What are the basic building block that all matter is composed of? Electron, proton or neutron होते हैं. Option number A. Fluid system is comparable to an electrical system. The fluid plant will correspond to. Okay. तो आपका जो fluid pump होता है ना वो fluid देता है, वो pump करता है. Fluid pump से fluid मिलता है. तो battery से हमें क्या मिलता है? Battery से हमें supply मिलती है. Option number C. An element is a substance that is purest form. Option number D. Current is the movement of electron. Option number C. हम चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ. What do you call a diagram that shows the electrical connection? Schematic diagram होती है. ब्लॉक में तो नहीं हो सकता. Short circuit will have short circuit. Short circuit में बस large current flow होता है. Open में zero होता है.
डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर इज फ्यूज स्लो है, फ्यूज रीयूजेबल नहीं है, सर्किट ब्रेकर रीयूजेबल होता है। सर्किट ब्रेकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, फ्यूज़ आपका उड़ गया तो ख़त्म हो गया। बट इज़ द स्मॉलेस्ट, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट। सेकेंडरी सेल जनरेट्स डीसी वाया केमिकल एक्टिविटी, प्राइमरी सेल जनरेट डीसी वो भी केमिकली करते हैं, ऑप्शन डी। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ जिसमें सिर्फ दो एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज कम्पेयर टू अ फ्लूइड, द इलेक्ट्रिकल करंट, अच्छा करंट आपका वाटर फ्लो होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है और वाटर फ्लो भी मूवमेंट है। सो ये हमारे थे इंडिया बिक्स का वोल्टेज एंड करंट का पहला पार्ट था, और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिस्कस किया वह देखते हैं। पैरेलल सर्किट कैपेसिटर, तो इंडिया बिक्स जो है ना ये आपकी फार बेटर देन हैंडा है, बिकॉज इसमें डिस्कशन इन फॉरम्स हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, DLD है, EDC है, इसमें बहुत कुछ है। सो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दिस, थैंक यू वेरी मच।